हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी बचे प्रावधानों को जो अपील से रिलेटेड है। दैट मींस कि आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 29 को, और चैप्टर 29 का संबंध जो है सेक्शन 372 से सेक्शन 394 तक है। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 372, सेक्शन 373, सेक्शन 374 को, और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे के प्रोविजन को चैप्टर 29 का, जो कि है सेक्शन 375 एंड सेक्शन 376। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और ये है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे जो लॉ से रिलेटेड है उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए, उस पर लेक्चर चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 375 से। देखिए, सेक्शन 375 क्या कहता है कि अगर एक्यूज्ड जो है, अगर एक्यूज्ड के खिलाफ सेंटेंस सुनाया गया, और यहां पे अक्यूज्ड के खिलाफ सेंटेंस सुनाया जा रहा, उसका आधार क्या है? उसका आधार यह है कि उसके कबूलनामे पे, दैट मींस कि वह अपने अपने प्ली, अपना जो कन्विक्शन है उसका, दैट मींस कि उसने अपराध को कबूल कर लिया है, उस अपराध को कबूल करने के बेसिस पे अगर उसको कन्विक्ट किया जा रहा है, तो सवाल यह उठता है कि क्या अक्यूज्ड उस सेंटेंस से अपील कर सकता है? अगर कर सकता है तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति है, तो ये हम सब जानेंगे सेक्शन 375 में। ठीक है, और यह भी जानना जरूरी है दोस्तों सेक्शन 375 के अकॉर्डिंग कि आखिर ऐसे कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं जब वो अपील कर सकता है अगर उसको कन्विक्ट किया गया, दैट इज अक्यूज्ड को उसके प्ली ऑफ गिल्टी पे, दैट मींस उसके कबूलनामे पे अगर उसको कन्विक्ट किया जा रहा तो भी वो अपील कर सकता है, तो एक्सेप्शनल केसेस में, लेकिन एज अ जनरल रूल वो अपील नहीं कर सकता है। तो देखिए, सेक्शन 375 क्या कहता है कि अगर कन्विक्शन अक्यूज्ड को उसके प्ली ऑफ गिल्टी पे, दैट मींस कि उसके कबूलनामे पे उसको कन्विक्ट किया जा रहा है, और कन्विक्ट करने वाले जो कोर्ट है वो कौन है? या तो हाई कोर्ट है, या सेशन कोर्ट है, या एडिशनल सेशन जज है, या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है। अगर ये सभी कोर्ट या मजिस्ट्रेट अक्यूज को कन्विक्ट कर रहे हैं उसके प्ली ऑफ गिल्टी पे, तो वो अक्यूज उस सेंटेंस के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकता है, क्लियर एज अ जनरल रूल। लेकिन वो कब अपील करेगा? तो देखिए, पहला केस है वो अपील करेगा, पहला ग्राउंड सेंटेंस के एक्सटेंड के ग्राउंड पे वो अपील कर सकता है, दैट मींस कि जो सेंटेंस का जो एक्सटेंशन है, दैट मींस कि अगर सेंटेंस को सुनाया गया है या जिस अपराध का जो सजा था वो 7 वर्ष का था, क्लियर, लेकिन उसको सजा सुनाया गया है कुछ ज्यादा वर्षों का, तो सेंटेंस के एक्सटेंशन के ग्राउंड पे वो अपील कर सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसको सेंटेंस जो सुनाया गया है इन सभी कोर्ट या इनमें से किसी एक कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके प्ली ऑफ गिल्टी पे। दूसरा ग्राउंड कि सेंटेंस के लीगलिटी के ग्राउंड पे भी अपील कर सकता है। फिर से रिपीट करते हैं, पहला ग्राउंड कि सेंटेंस के एक्सटेंट के ग्राउंड पे अपील करेगा, दूसरा सेंटेंस के लीगलिटी के ग्राउंड पे अपील कर सकता है अक्यूज्ड। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अक्यूज्ड को जो सेंटेंस सुनाया गया है हाईकोर्ट के द्वारा या सेशन जज के द्वारा या फिर एडिशनल सेशन जज के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो फर्स्ट या सेकंड क्लास, उसके प्ली ऑफ गिल्टी पे, क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं सेक्शन 376 का। दोस्तों, सेक्शन 376 काफी इंपॉर्टेंट है, जो इसका संबंध है, क्या कहता है कि अगर छोटे मोटे अपराध में एक्यूज्ड को कॉन्विक्ट किया जा रहा है तो उस छोटे मोटे अपराध का सजा सुनाया गया एक्यूज्ड को, क्या उस सेंटेंस के अगेंस्ट एक्यूज्ड अपील कर सकता है? तो इसके संबंध में जो प्रावधान है ये सेक्शन 376 में, तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं दोस्तों जिसमें अगर अक्यूज्ड को सजा सुनाया जाता है, या कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसके संबंध में अक्यूज्ड को सेंटेंस सुनाया गया, उसको कन्विक्ट किया जा रहा है, और उस वो जो अपराध है छोटा मोटा अपराध है, तो फिर उस सेंटेंस से अपील नहीं होता है, क्लियर। तो आखिर सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसे कौन कौन से अपराध है, और ऐसे कौन कौन से अपराध के सेंटेंसेस हैं जिसके संबंध में अक्यूज्ड अपील नहीं कर सकता है अपने सेंटेंस के अगेंस्ट, ठीक है, और वो सेंटेंस किस कोर्ट के द्वारा पास्ड होगा, ये भी जानना जरूरी है। तो इसके संबंध में जो प्रावधान हैं वो सेक्शन 376 में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, ये समझिए कि पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये डिस्कस किया था कि अक्यूज्ड अपील करता है कन्विक्शन से, तो किस सेक्शन के अकॉर्डिंग? तो सेक्शन 374 के अकॉर्डिंग, क्लियर। लेकिन यहां भी देखिए, अक्यूज को कन्विक्ट ही किया जा रहा है, लेकिन यहां पे अक्यूज अपने कन्विक्शन से अपील नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि यह मामला छोटा मोटा है, क्लियर। तो ये मामला छोटा मोटा है, आखिर ये मामला है क्या?
और इसे की कौन से कोर्ट ने सेंटेंस सुनाया है ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए क्या करता है, पहला पॉइंट क्या करता है 376 का, कि ऐसा कुछ भी नहीं है सेक्शन 374 में जो अप्लाई हो सेक्शन 376 पे, ठीक है। अब देखिए दूसरा बात क्या करता है कि अगर अब देखिए अब एक्यूज अपील नहीं कर सकता है छोटे मोटे अपराधों में, ठीक है। तो पहला क्या है कि अगर हाईकोर्ट कोई सजा सुनाता है और वो सजा कितना है टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, मतलब अगर 6 महीना से कम का कारावास की सजा हाईकोर्ट सुना रही है या फिर हाईकोर्ट फाइन इंपोज कर रही है 1,000 से कम का, तो उस सेंटेंस से जो हाईकोर्ट के द्वारा पास हुआ है एक्यूज अपील नहीं कर सकता है। दूसरा कि अगर सेशन कोर्ट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जो है कारावास की सजा सुनाती है जिसका जो टर्म है वो है 3 महीने से कम का, या फिर सेशन कोर्ट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट फाइन इंपोज करती है जो 200 से कम का है, तो उस सेंटेंस से एक्यूज अपील नहीं कर सकता है, क्लियर। तीसरा देखिए अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फाइन इंपोज करती है और फाइन जो है 100 से कम का है, तो फिर उस सेंटेंस से भी उस फाइन के अगेंस्ट भी अपील नहीं होगा एक्यूज के द्वारा, क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर समरी ट्रायल, देखिए समरी ट्रायल छोटे मोटे अपराधों को लेकर होता है और इसका जो प्रावधान है सीआरपीसी में वो है सेक्शन 266, यहां ठीक कीजिए यहां पे जो समरी ट्रायल जो प्रावधान है सीआरपीसी में वो है सेक्शन 260 से 265 तक, क्लियर। और अगर समरी ट्रायल के दरमियान अगर मजिस्ट्रेट जो इम्पावर्ड है टू एक्ट अंडर सेक्शन 260 उस मजिस्ट्रेट ने अगर फाइन इंपोज किया है और फाइन जो है 200 से कम का है, तो फिर उस सेंटेंस से भी अपील नहीं किया जा सकता है एक्यूज्ड के द्वारा, क्लियर। लेकिन 376 के भी कुछ अपराध है और यहां पे पॉइंट गौर करना है दोस्तों। देखिए क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग ये समझे कि इन सभी मामलों में एक्यूज्ड अपील नहीं कर सकता है, क्लियर। लेकिन इन सभी मामलों में एक्यूज्ड अपील तब कर सकता है जब ऐसे कोई सेंटेंसेस किसी अन्य सेंटेंस के साथ मिलके मिल जाए तो, ठीक है, क्लियर। फिर से रिपीट करते हैं, पहले क्या कहा सेक्शन 376 की अपील नहीं होगा छोटे मोटे मामलों में, वो छोटा मोटा मामला या छोटा मोटा सेंटेंस क्या है, तो अगर हाईकोर्ट सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट इंपोज कर रहा है या सुना रहा है जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ से कम का है या फिर फाइन 1,000 से कम का है, तो अपील नहीं होगा। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट जो है अगर किसी अन्य सेंटेंस से कंबाइंड हो जाए और 6 मंथ से एक्सीड कर जाए तो अपील किया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हाईकोर्ट पास किया है फाइन इंपोज कर रहा है और फाइन जो है 1,000 से कम का है, लेकिन अगर यही फाइन किसी अन्य फाइन से कंबाइंड हो जाए, ठीक है, अन्य फाइन से कंबाइंड हो जाए, कहने का मतलब कि अगर एक्यूज को किसी अन्य अपराध के लिए फाइन इंपोज किया गया था और वो फाइन और ये फाइन मिलके अगर 1,000 से एक्सीड हो गया तो फिर अपील होगा। तो कहने का मतलब है कि इन सभी मामलों में अपील तब हो सकता है जब ये सभी सेंटेंस किसी अन्य सेंटेंस से कंबाइंड या जुड़ जाए तो, क्लियर। लेकिन अब देखिए अपवाद का भी अपवाद है कि ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस या केसेस हैं जब ये सभी सेंटेंस अगर किसी अन्य सेंटेंस से मिल भी गए तो भी एक्यूज अपील नहीं कर सकता है। तो आखिर ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, तो सबसे पहला क्या कहता है कि अगर एक्यूज्ड को आदेश हुआ कि उसको सिक्योरिटी देना है अपने आचरण को सही रखने का सेक्शन 117 कहता है सीआरपीसी का, तो अगर वो सेंटेंस उस ऑर्डर वो जो ऑर्डर पास हुआ उस ऑर्डर को रिफ्यूज किया उस रिफ्यूज ग्राउंड पे जो उसको सेंटेंस सुनाया जा रहा है अगर वो सेंटेंस कंबाइन हो जाता है इसमें से किसी भी सेंटेंस के साथ तो फिर भी वो अपील नहीं कर सकता है, क्लियर। दूसरा कि अगर उसको सजा सुनाया जा रहा है इंप्रिजनमेंट जो है उसको दिया जा रहा है किस बात के लिए, क्योंकि उसको जब फाइन इंपोज करने को कहा गया तो उसने फाइन इंपोज या फाइन पे नहीं किया जब उसको कहा गया, फिर से रिपीट करते हैं आप ध्यान से सुनिए कि अगर एक्यूज्ड को इस बात के लिए सजा सुनाया जा रहा है कि आपको फाइन पे करना है लेकिन एक्यूज्ड क्या करता है फाइन पे नहीं करता है और इस ग्राउंड पे उसको इंप्रिजनमेंट होता है, तो वो इंप्रिजनमेंट अगर किसी में से भी एक इंप्रिजनमेंट का स्टाइल कंबाइंड हो भी गया तो भी एक्यूज्ड अपील नहीं कर सकता है, ठीक है, क्लियर। जो लास्ट केस है वो क्या कहता है कि अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट एक से अधिक मामलों में फाइन इंपोज किया गया है और वो सभी फाइन को जोड़ भी दिया जाए तो यहां जिस फाइन का जिक्र किया जा रहा है जो भी फाइन का जो एक्सटेंट है उससे अगर अधिक एक्सीड नहीं हो रहा है तो फिर अपील नहीं किया जाता है एक्यूज्ड के द्वारा, क्लियर। तो दोस्तों हम लोग आते हैं इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 2 में क्या समझे
कि सेक्शन 375 के तहत अगर अक्यूज्ड गुनाह कबूल कर लेता है तो ऐसे केसेस में अपील नहीं होगा। अगर कॉन्विक्शन हुआ है किसके द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा, या फिर एडिशनल सेशन जज के द्वारा, या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के द्वारा। लेकिन कब किया जा सकता है, जब ग्राउंड सेंटेंस के एक्सटेंट का हो या फिर सेंटेंस के लीगलिटी का हो तो किया जा सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अक्यूज को कन्विक्ट किया जा रहा है उसके कबूल नामे पे। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्शन 376। सेक्शन 376 क्या कहता है कि छोटे मोटे मामलों में अपील नहीं होगा। तो आखिर ये मामला क्या है कि अगर अक्यूज को सजा सुनाया गया हाईकोर्ट के द्वारा इंप्रिजनमेंट का, जिसका जो टर्म है 6 मंथ से कम का या फाइन 1,000 से कम का इंपोज किया गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो फिर अपील नहीं कर सकता है अक्यूज। उसी प्रकार अगर सेशन कोर्ट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट पास करती है जिसका टर्म 3 महीने से कम का है या फिर फाइन इंपोज कर रही है और 200 से कम का है, तो वो अक्यूज अपील नहीं करेगा। जो तीसरा कंडीशन वो क्या है, जो तीसरा केस है वो क्या है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फाइन इंपोज कर रहा है 100 से कम का, तो फिर अपील नहीं होगा उस फाइन के अगेंस्ट अक्यूज के द्वारा। अगर समरी ट्रायल के मामले में क्या होता है कि जो भी मजिस्ट्रेट इंपावर्ड है टू एक्ट अंडर सेक्शन 260, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट अगर इंपोज करती है फाइन जो 200 से कम है, तो फिर उस फाइन के अगेंस्ट भी अक्यूज अपील नहीं कर सकता है। फिर हम लोगों ने जाना इसका अपवाद कि आखिर इन सभी परिस्थिति में या किसी भी एक परिस्थिति में अपील कब किया जाता है अक्यूज के द्वारा, जब ये इसमें से कोई भी एक सेंटेंस किसी अन्य सेंटेंस के साथ कंबाइंड हो जाए तो अपील किया जा सकता है अक्यूज के द्वारा, ठीक है। लेकिन अपवाद का भी अपवाद है कि अगर ये सभी सेंटेंस में कोई भी एक सेंटेंस अगर किसी अन्य सेंटेंस के साथ कंबाइंड हो भी गया तो भी अक्यूज अपील नहीं कर सकता है। तो ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है, पहला कि अगर अक्यूज को सिक्योरिटी देने को कहा गया है सेक्शन 117 के तहत सीआरपीसी या किस बात के लिए, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को सही रखने के लिए समाज में, और उसने उस ऑर्डर को नहीं माना, रिफ्यूज कर दिया मानने से, तो उसको सेंटेंस इंपोज किया गया इस बात के लिए। तो वो सेंटेंस अगर कंबाइंड हो रहा है किसी भी सेंटेंस के साथ जो जिसका जिक्र सेक्शन 376 में किया गया, तो फिर अक्यूज अपील नहीं कर सकता है। क्लियर। या फिर अगर उसको इंप्रिजनमेंट सुनाया जा रहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, दैट मींस कि अगर अक्यूज को कहा गया कि फाइन पे करना है लेकिन अक्यूज फाइन पे नहीं करता, उसको इस बात के लिए इंप्रिजनमेंट हो जाता है, दैट मींस कारावास हो जाता है, तो फिर ये इंप्रिजनमेंट अगर किसी भी सेंटेंस का कंबाइंड हो भी जाता है तो भी अक्यूज अपील नहीं कर सकता है। क्लियर। और जो लास्ट है कि अगर एक से अधिक सेंटेंस जो है फाइन का इंपोज किया गया है अक्यूज के अगेंस्ट और वो सभी फाइन को जोड़ भी दिया जाए, तो यहाँ भी जो एक्सटेंट बताया गया है फाइन का, दैट मींस कि 1,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, 200 से अधिक नहीं होना चाहिए, 100 से अधिक होना चाहिए, तो इस एक्सटेंट को अगर एक्सीड नहीं करता है तो फिर अक्यूज अपील नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 29 के बचे हुए प्रोविजन को कवर अप करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।